लंबे चले स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महिला पुरुष क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज की कड़ी समर्पित है ऐसे ही एक वीर बाला 17 वर्षीय कनकलता बरुआ को। कनकलता का जन्म 22 दिसंबर 1924 में असम के गांव बारंगबाड़ी जिला दारंग में हुआ था। 5 साल की उम्र में माता कर्णेश्वरी देवी और 13 साल की उम्र होते पिता कृष्णकांत बरुआ का भी साया नहीं रहा। दुनिया में अकेली रह गई कनकलता को नानी ने संभाला। पूरे देश में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे थे। इसी क्रम में मई 1931 में पास के गांव घमेरी में क्रांतिकारियों की एक सभा हुई। तब कनकलता की उम्र 7 साल की थी। सभा में कनकलता अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ शामिल हुई। यहीं से कनकलता के अंदर क्रांति के अंकुर फूटे। सन 1942 कांग्रेस अधिवेशन में पारित अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव पारित होते ही पूरे देश में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गए थे। देश प्रेम का जज्बा लिए कनकलता क्रांति के सपने को साकार करने इस महासंग्राम में कूद पड़ी। घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन कनकलता पूरे मन से आंदोलन में जुड़ी थी। इसी बीच तेजपुर में तिरंगा फहराने का फैसला हुआ। तारीख तय हुई 20 सितंबर सन 1942। कनकलता के घर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराना था। निर्धारित तिथि को जल्दी जल्दी सुबह घर का काम निपटाकर कनकलता आंदोलनकारियों के साथ चल पड़ी। आंदोलनकारी जुलूस के आगे कनकलता दोनों हाथों में तिरंगा लेकर बेखौफ चल रही थी। नेताओं ने सोचा कहीं छोटी बच्ची डर के लौट न जाए। कनकलता ने उनको भरोसा दिलाया कि हम भागने नहीं, क्रांति की आग में खुद को झोंकने आए हैं। थाने तक पहुंचते भीड़ मतवाली हो गई थी। सबको जल्दी थी सबसे पहले कौन तिरंगा फहराएगा। थानेदार पीएम सोम ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की चेतावनी दी। आगे मत बढ़ो, गोली चल जाएगी। कनकलता ने निडरता से जवाब दिया, हम आपसे लड़ने नहीं सिर्फ झंडा फहराने आए हैं। बार बार चेतावनी को अनसुना करती आंदोलनकारियों की भीड़ आगे बढ़ती रही। सबसे आगे चल रही कनकलता पर सिपाहियों ने गोली चला दी। कनकलता का सीना बिंद गया। दूसरी गोली साथी मुकुंद काकोती को लगी। कनकलता की शहादत ने आंदोलनकारियों में नई उमंग भर दी। गोलियां चलती रहीं, लोग घायल होते रहे, लेकिन आगे बढ़ने का तांता जारी रहा। आखिर साथी रामपति राजखोवा ने तिरंगा फहरा दिया। संकल्प के अनुसार थाने पर तिरंगा फहराया जा चुका था। साथी मुकुंद की लाश तेजपुर नगरपालिका के निवासियों ने चुपके से जला दिया, लेकिन कनकलता को क्रांतिकारी ले जाने में कामयाब रहे और उनके गांव ले जाकर दाह संस्कार किया। आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों के लिस्ट में 17 वर्षीय वीर बाला कनकलता का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका था। कहते हैं जिस सिपाही ने अपने ही देश की 17 वर्षीय कनकलता पर गोली चलाई पछतावे से भर गया और कुएं में कूदकर जान दे दी थी।